जी अस्सलाम वालेकुम। फेमटोलैसिक एक ऐसी लेज़र सर्जरी है जो कि आजकल बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं ग्लासेस रिमूव करवाने के लिए। मेन जो प्रॉब्लम्स आती हैं या मेन जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे जहन के अंदर, उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या ये ग्लासेस दोबारा लगेंगी और क्या ये लेज़र लाइफ टाइम के लिए है। तो पहली बात तो ये है कि ये लेज़र जी बिल्कुल पूरी लाइफ के लिए है और आम तौर के ऊपर अगर अच्छे तरीके से इस लेज़र को परफॉर्म किया जाए तो इसमें दोबारा से नंबर वापस नहीं आता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या इसमें पेन होगी या नहीं होगी। तो जी ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है और इसके अंदर कोई भी फिज़िकल चीज़ लेंस की शक्ल में या किसी भी और शक्ल में आँख के अंदर नहीं डाली जाती है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ लेज़र के ज़रिए आँख की जो रिफ्रैक्टिव पावर है या उसकी फोकस करने की जो सलाहियत है उसको ऑल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से ऐनक का जो नंबर है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरा मेन क्वेश्चन है जो हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि क्या इस दौरान में आँख डैमेज भी हो सकती है। देखें, अगर आप किसी भी अच्छे क्वालिफाइड सर्जन से किसी भी अच्छे रिकग्नाइज्ड सेंटर के अंदर ये प्रोसीजर करवा रहे हैं तो इस चीज़ का इम्कान कतई तौर पे ना होने के बराबर है कि इस प्रोसीजर के दौरान आँख डैमेज हो जाए या उसके अंदर किसी किस्म का नज़र को नुकसान पहुँचे। तो ये तीन चार मेजर सवाल हैं जो हमारे पेशेंट्स जो है वो अक्सर हमसे पूछते हैं और उनके बड़ा क्लियर और शॉर्ट मैंने आपको एक जवाब दे दिया है। इसके अलावा जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर कितना होता है। तो देखें जी, ये एक वॉक इन प्रोसीजर है। वॉक इन प्रोसीजर का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसके लिए एडमिशन की ज़रूरत ना हो। टोटल जो सर्जिकल प्रोसीजर टाइम है वो तो 2 से 3 मिनट है और इससे ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जो अक्सर लोगों का जो मेन क्वेश्चन होता है वो होता है प्राइस से रिलेटेड। देखें, जो रिफ्रैक्टिव लेज़र है इसमें प्राइस में बहुत वेरिएशन है, डिपेंड करता है आप किससे करवा रहे हैं, किस शहर में करवा रहे हैं, किस मशीन पे करवा रहे हैं, लेकिन एक अपने जानने वालों के अंदाज़े के लिए या उनके एक एस्टिमेशन के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि ये सर्जरी तकरीबन 50 to 60,000 से स्टार्ट होती है और एटलीस्ट 1,50,000 या 1,60,000 तक आपको कॉस्ट कर सकती है। अपनी जो रूटीन की, जैसे फेमटोलेसिक है अगर, तो एटलीस्ट वो इस रेंज के अंदर फॉल करेगी। इसमें कमी बेशी बिल्कुल मुमकिन है, जो जिसकी वेरिएशन पेशेंट टू पेशेंट, डॉक्टर टू डॉक्टर, सेंटर टू सेंटर और सिटी टू सिटी हो सकती है। बाकी इसके अलावा मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इसके कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी किस्म के, बहुत सेफ़ प्रोसीजर है और आप विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट इसको कंफर्टेबली करवा सकते हैं। जब आपका मुआयना मुकम्मल हो जाए और डॉक्टर आपको गो अहेड दे दे तो आप इसको तसल्ली से करवाइए। यकीनन इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है आपकी ज़िंदगी में आएंगे। थैंक यू।